हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, जब भी हमें बचपन में कभी चोट लग जाती थी और वो चोट अगर गहरी हो या फिर किसी लोहे की चीज़ या कील से लगी हो, तो डॉक्टर हमें टीटनेस का इंजेक्शन लगाते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टीटनेस की बीमारी और इसके इंजेक्शन, इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो नाम है टिटनेस, ये एक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के नाम पे पड़ा, जिसका नाम है क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। इस क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के जो जीवाणु होते हैं, ये हमारे शरीर के बाहर भी रह सकते हैं अथवा वातावरण में दूर दूर तक फैले भी हो सकते हैं। यह सामान्यतः जानवरों के गोबर जैसे कि घोड़े, गाय एवं दूषित मिट्टी में पाए जाते हैं। जंग लगी हुई लोहे की चीज़ों से जब हमें चोट लगती है, तो वो दूषित मिट्टी, वायु और वातावरण के प्रभाव में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोहे के कील के माध्यम से क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए लोहे के जो जंग लगी हुई चीज़ें होती है, उससे चोट लगने पर भी टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन केवल यही एकमात्र कारण नहीं होता। वो हर चोट जो थोड़ी गहरी हो और जिसमें धूल या मिट्टी के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं वातावरण के, वो टिटनेस के इंजेक्शन के लगाए जाने का कारण बन सकते हैं। हमारे शरीर में प्रवेश करते ही ये जो बैक्टीरिया होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी के, वो तेज़ी से दोगुने होने लगते हैं और टेटानोस्पैस्मिन पैदा करते हैं। यह जहर न्यूरोटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। यदि यह टेटानोस्पैस्मिन खून के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, तो यह पूरे शरीर में फैल जाता है और टिटनेस के लक्षण पैदा करता है। यह जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी नाम का जो बैक्टीरिया होता है, यह बिना हवा के जीवित रहने वाला जीवाणु होता है। यह जो बैक्टीरिया है, जो कि टेटानोस्पैस्मिन नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन या कहें जहर पैदा करता है, यह मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी को भेजे जाने वाले तंत्रिका संकेतों को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, ये जो तंत्रिका संकेत होते हैं, वो मस्तिष्क से दिए जाने वाले आदेश होते हैं, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग चलते फिरते हैं या किसी कार्य को करते हैं। जब मस्तिष्क से भेजे जाने वाले तंत्रिका संकेत हमारे शरीर की मांसपेशियों तक नहीं पहुंचते हैं, तो मांसपेशियों में ऐंठन व अकड़न हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर जो होता है वो अकड़ जाता है। इसलिए इस बीमारी को धनुष्टंभ भी हिंदी में कहा जाता है। यह मांसपेशियों में अकड़न धीरे धीरे 24 से 72 घंटों में गर्दन, जबड़ों एवं अन्य शरीर के अंगों में फैल सकती है। इसमें जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी तभी होती है जब ताज़ा घाव क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी नाम के जो जीवाणु होते हैं या कहें बैक्टीरिया की वजह से दूषित हो जाता है, और इसका अगर समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह और भी घातक हो सकता है। इसके कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं, जैसे कि 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से उच्च तापमान का होना शरीर का, या कहें बुखार का आना, पसीने का आना, दिल की धड़कनों का तेज चलना, हाइपरटेंशन या कहें उच्च रक्तचाप का आना, ये सारे इसके लक्षण हैं। सामान्य तौर पर टीटनेस के होने का पता उपरोक्त लक्षणों के आधार पर किया जाता है, लेकिन इसकी पूर्ण रूप से पुष्टि के लिए स्पैचुला परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान स्पैचुला को रोगी व्यक्ति के गले के अंदर
पीछे की ओर डाला जाता है। यदि कोई व्यक्ति टिटनेस की बीमारी अर्थात लॉक जॉ से पीड़ित नहीं है तो उसके गले की मांसपेशियां जो है वो स्पैचुला के साथ कोई क्रिया नहीं करेगी, अर्थात वो उसे नहीं पकड़ेगी अकड़न के कारण, और रोगी व्यक्ति उस स्पैचुला को मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। और यदि व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित है तो स्पैचुला को जो उसके गले की मांसपेशियां अकड़न के कारण पकड़ लेगी। टिटनेस के लिए दो प्रकार के उपचार प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें से पहला है निवारक उपचार। इसके अंतर्गत ऐसे लोग जिन्होंने टिटनेस के खिलाफ आंशिक या पूर्ण टीका पहले से लगाया हुआ है, ऐसे लोगों को टिटनेस की बीमारी की आशंका बहुत कम होती है। दूसरा है रोग सूचक उपचार। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनमें टिटनेस के सक्रिय लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के उपचार के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। दर्द निवारक दवाएं, मांसपेशियों की स्थिरता के लिए दवाएं और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। टिटनेस की बीमारी को टिटनेस टॉक्साइड के टीके की सहायता से रोका जाता है। टिटनेस को रोकने के लिए चार तरह के DTAP, TDAP, DT और TD टीकों का संयोजन किया जाता है, जिसमें DTAP और DT 7 वर्ष की अवस्था से बड़े बच्चों को दिया जाता है, तथा TDAP और TD बड़े बच्चों और वयस्कों में लगाए जाते हैं। डॉक्टरों के द्वारा यही सुझाव दिया जाता है कि वयस्कों को हर 10 वर्ष में टिटनेस का बूस्टर टीका ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।